हजरत वहब बिन मुनव्विह से रिवायत है कि जब हजरत सुलेमान अलैहि सलाम को मशरिक और मगरिब के सारे जहान की सल्तनत मिली तो आपने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज किया कि या इलाही, मेरी आरजू है कि मैं तेरी सारी मखलूक की एक दिन दावत करूं। आवाज आई, ऐ सुलेमान, सबको मैं रोजी देता हूँ, तुम मेरी तमाम मखलूक को नहीं खिला सकोगे। जब हजरत सुलेमान अलैहि सलाम ने बार बार अर्ज किया तो अल्लाह अज्जवजल ने इजाजत दे दी। हजरत सुलेमान अलैहि सलाम ने देव और जिन्नात की मदद से एक बड़े मैदान में दावत का इंतजाम किया। इस मैदान की साफ सफाई में 8 माह लगे, फिर 7 लाख देगे मंगवाई, हर देग 70 गज लंबी चौड़ी और एक एक थाल फैलाव में तालाब की तरह। इस दावत में 22,000 गाय जिबहा हुई थी। जब खाना तैयार हो गया तो हजरत सुलेमान अलैहि सलाम ने हवा को हुक्म दिया कि हमारा तख्त फजा के ऊपर ठहरा के रख, ताकि हम अपने मेहमानों पर नजर रख सके। तभी एक मछली ने दरिया से सर निकालकर हजरत सुलेमान अलैहि सलाम से अर्ज किया कि अय हजरत, मुझे खुदा ने भेजा है, मैं बहुत भूखी हूँ, ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकती, मुझे जल्दी से खाना खिलवा दीजिए। हजरत सुलेमान अलैहि सलाम ने फरमाया, अगर तू ठहर नहीं सकती तो इसमें से जितना चाहे खा ले। मछली ने खाना शुरू किया और थोड़ी सी देर में जितना खाना उस मैदान में था वह सब खा गई। फिर हजरत सुलेमान अलैहि सलाम से अर्ज करने लगी, हजरत, रोज मुझे 3 निवाले खाना चाहिए, यह जो कुछ मैंने खाया यह तो 1 निवाला था, 2 निवाले और खिलवाइए, तब मेरा पेट भरेगा। अगर आप पेट भर खाना नहीं दे सकते तो बिला वजह सारे मखलूक को खिलाने का दावा किया। हजरत सुलेमान अलैहि सलाम मछली की बात सुनकर बेहोश हो गए। होश में आने के बाद सर सजदे में रखकर कहने लगे, इलाही, मैं तौबा करता हूँ, तू ही है मुझे और सारे जहान को रोजी देने वाला। कहते हैं कि यह वही मछली थी कि जिसकी पीठ पर अल्लाह ताला ने जमीन के 7 तबक रखे थे। कसूसुल अंबिया।